मतलब कि इसका जो पेपर है वो मैं स्टिकर टाइप का है, इसको मैं ऐसे, और ये खुल चुका हूँ, अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर इसकी सारी सिस्टम मशीन है। घर पर बैठे बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स और बिल्स वगैरह का प्रिंट निकाल सकते हो काफी इजीली। कोई भी तार लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी कार्ट्रेज की जरूरत नहीं, और कोई भारी भरकम भी नहीं है। जेब में आ जाएगा, आपके बैग में आ जाएगा, कहीं भी लेकर जा भी सकते हो। तो वो प्रोडक्ट आपके सामने। तो ये दो प्रिंटर है जो कि मैं पिछले एक साल से यूज कर रहा हूँ। ये एक मिनी प्रिंटर है जो कि मैं बिलिंग वगैरह करने के लिए, नोट्स प्रिंट करने के लिए मैं यूज करता हूँ। ये वायरलेस है, इसमें थर्मल पेपर लगता है, मैं बताता हूँ थर्मल पेपर होता क्या है। और ये भी है बड़ा सा A4 साइज जो कि मुझे अभी 6 महीना हुआ है। इसकी वीडियो भी मैंने दोनों की अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी डाल रखी, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। और इन दोनों में ही थर्मल पेपर यूज होता है, कोई भी इसमें इंक नहीं डलती, कोई भी इसमें कार्ट्रेज नहीं डलता, और कोई भी इसमें वायरिंग नहीं होती। ये चार्ज होता है सी पोर्ट, इन दोनों के चार्जर्स हैं। और चार्ज करने के बाद ये आराम से, मेरे तो 2 महीने अभी तक इसको मैंने चार्ज ही नहीं किया, जैसे लिए तब तक चार्ज ही नहीं किया, आराम से ये काम कर रहा है। तो ये दोनों प्रोडक्ट है, इसमें दोनों में थर्मल पेपर लगते हैं। जो थर्मल पेपर होता है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर होता है, इसमें नॉर्मल पेपर नहीं लगते। थर्मल पेपर हीटिंग पर ब्लैक कलर छोड़ता है और इसी में वो पेपर हम डालते हैं और वो अपना प्रिंट करता है। बड़ी खास बात यह है कि दोनों प्रिंटर की खुद की एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन में बहुत सारे आपको प्रीसेट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं नोट्स के, जो भी आप करना चाहो। इवन इसमें तो मैं ड्राइंग भी कर सकता हूँ, ड्राइंग के पेजेस निकाल सकता हूँ। तो दोनों मस्त चीज मेरे को लगी। अगर आपका ऑफिस का वर्क है, आपका डॉक्यूमेंटेशन हर दूसरे तीसरे दिन आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होता, तो ये एक मंगा लीजिए। थोड़ा सा कॉस्टली होता है बट या ये वर्थ इट है। मेरे को एक साल ही हो गया यूज करते हुए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, दोनों में नहीं आई प्रॉब्लम। इवन मेरा समय बचता है, समटाइम मेरे को बाहर भी प्रिंट करना होता है तो इसको मैं बाहर बैग में डालकर अपने ले जाता हूँ और ऑफिस का काम वगैरह करता हूँ। अब दोनों के पेपर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पेपर इसके काम करते हैं। तो दोस्तों ये दो प्रोडक्ट मैं अनबॉक्स करके आपको दिखाऊंगा। वैसे तो ये रोल में आता है इनबिल्ट, बट मैंने ये पेपर शीट में ही मंगाया। समटाइम लीगल डॉक्यूमेंट हमको प्रिंट करने होते हैं तो उसमें मोटे कागज की जरूरत पड़ती है, तो ये लीगल पेपर के लेके आया हूँ। ये दो रोल मैंने एक्स्ट्रा मंगाया है, सस्ते ही है, ज्यादा महंगे नहीं है, बट ये है कि नॉर्मल पेपर से डबल कॉस्टली है इसके। और साथ में ये इसमें इसके लिए यूज होते हैं, ये आज मेरे पास पड़ा हुआ है क्योंकि बिलिंग का ज्यादा काम नहीं होता और नोट्स वगैरह का मैं इससे ही सारा काम निकाल लेता हूँ। तो ये चीज है, इसमें जो पेपर होते हैं आपको दिखाता हूँ। ये पेपर ऐसे होते हैं, इसका बड़ा ही पतला पेपर होता है, एकदम ऐसा समझ लो जो आप मॉल में जाते हो, आपको जो बिल निकाल के दिया जाता है वो वही टेक्नोलॉजी होती है। उसमें भी कोई भी इंक नहीं होता, वो जस्ट हीट करता है और ये काम करता है। मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है। अब सबसे पहले ये रोल का मैं अनबॉक्स करता हूँ। जैसे ये रोल है, इसका MRP लिखा हुआ 999 जो कि मुझे 400 के आसपास पड़ा है। और इसमें दो रोल है और दो रोल मेरे को पता है कि आराम से ये मेरा 1-2 महीना निकाल देगा जिस हिसाब से मेरी यूसेज है। और मैंने इसको फाड़ दिया और आप ये देख सकते हो, ये मेरा इसमें से प्रिंटर निकल चुका हुआ है, पेपर निकल चुका हुआ है, रोल पेपर है और काफी है, मतलब इतना मोटा है, इसमें कोई भी लेयर नहीं है, सीधा इसमें घुस जाएगा और ये काम करेगा। ये दो रोल हो गए इसके साथ के, इसको हम आगे रखते हैं। अब हम अनबॉक्स करते हैं इसका। ये भी पेपर है, थर्मल पेपर, लीगल साइज का आ गया ये, और इसका प्राइस लिखा हुआ है 1990 जो कि मुझे अराउंड 700 के आसपास पड़ा है। 100 पेपर है, मतलब 7 रुपए का एक पेपर का कॉस्ट मुझे पड़ेगा इसका। बड़ी ये लीगल पेपर है, इसमें थोड़ी मोटाई होती है और थोड़ा, और ओपन करते ही वाह आप अंदर देख सकते हो इसमें पेपर है। तो मैं इसको खोलूंगा नहीं क्योंकि ये लीगल पेपर है और इसकी क्वालिटी ज्यादा है। अगर मैं थोड़ा सा निकालूंगा तो इसमें मेरे को दिख रहा है मेन्यू में लिखा हुआ है कि ये ऑटोमेटिक इसको इसके साथ ऐसे लगा देना है, ऐसे ऐसे लगा देना है और ऑटोमेटिक ये निकालता रहेगा पेपर। तो अभी कोई जरूरत नहीं, मैं आपको रोल में एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। इसमें अगर वेस्ट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको भी रख देता हूँ फिलहाल। तो दोस्तों इसको बहुत ही आसान है सेट करना। मैं जैसे कि अभी इसको मैं खोलता हूँ, इसके दो ऊपर के बटन है, खोलता हूँ मैं इसको और ये खुल चुका हूँ। अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर इसकी सारी सिस्टम मशीन है और इसमें मेरे को रोल को फिक्स करना है, तो मैं इसमें फटाफट रोल को फिक्स करता हूँ। तो दोस्तों इसको मैंने इसमें फिट कर दिया है, ये स्टिकर है। अब मैं इसको आपके सामने ऑन करता हूँ। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, हाँ तो देखिए दोस्तों ग्रीन लाइट जल गई है। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो उसमें ऑटोमेटिक इसका कोड प्रिंट होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कैसे इसने कोड प्रिंट कर दिया। और आप प्रिंट देखिए दोस्तों, फिलहाल ये पहला ऊपर से पहले से ब्लैक डॉट पड़ा हुआ था। मैं आपको दोबारा से इसका एक और प्रिंट लेके देता हूँ और ये रोल साफ आ चुका है, आप देख सकते हो। जो तीसरा प्रिंट हुआ वो ये पहले रोल के ऊपर से ही काला काला था, अब नीचे देखिए दोस्तों पूरा क्लियर है। और जैसे प्रिंट हम करते हैं इसको, यहाँ से हम स्मूथली यहाँ से हमने कवर अप कर लिया और निकल चुका है और ये हमारा प्रिंट हो चुका हुआ है, आप देख सकते हो दोस्तों।
2 सेकंड के अंदर प्रिंट हो गया। ये ऐप के थ्रू हो जाता है सारा ऑपरेट। ऐप में आपने इमेज रखी है, इमेज को डालो ऐप में और उसको जस्ट प्रिंट करो, ऑटोमेटिक प्रिंट निकाल देगा। तो ये ऐसे काम करता है और सेम टेक्नोलॉजी इसकी भी है, इसका भी सेम ऐसे ही ऑन होता है। जैसे कि मैं इसको ऑन करता हूँ, ये येलो चल गया है और येलो को मैं डबल बार क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक ये अपना कोड प्रिंट करेगा। तो दोस्तों इसने प्रिंट कर दिया। वैसे इसमें मैंने स्टिकेबल पेपर लगा रखा हुआ, मतलब कि इसका जो पेपर है वो मैं स्टिकर टाइप का है, इसको मैं ऐसे निकाल कर इसके पीछे चिपका सकता हूँ। ये देखो ये चिपक गया। तो ये मैं पहले स्टिकी नोट्स बनाने के लिए इसको यूज करता था, अभी बेनिफिशियल है। और ये 2 प्रोडक्ट थे जो कि आज तक मेरे लाइफ का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसने मेरा समय बचाया है। इवन समटाइम मतलब लीगल पेपर्स होने होते हैं प्रिंट करवाने को, समटाइम दुकान नहीं खुली होती तो बंदा फंस जाता है। और समटाइम कई बार क्या होता है, जब लाइट नहीं होती दुकान पे तो 10-10, 20-20 रुपए तक प्रिंटिंग करने के पैसे चार्ज करते हैं। उससे समाधान यही है, अपने पास रखो, पॉकेट फ्रेंडली भी है और कहीं भी आपका ये कैरी आउट हो सकता है।